आपके सामने हाजिर है मैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम क्या लेकर आए हैं आपको बताते हैं, जरा आप बताओ भाई क्या लाए हैं आज हम। एमसी स्टैंड को जानती है? नहीं भाई मैं नहीं जानती। एमसी स्टैंड को नहीं जानती? एमसी स्टैंड बिग बॉस में आए थे। अच्छा, वो बहुत बड़े सिंगर है। अच्छा ठीक है, और बहुत इंडिया वाले जो है ना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है। अच्छा ठीक है, और बिग बॉस उन्होंने जीता भी है। वाओ, तो आज उनकी एटीट्यूड फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो जीते भी होंगे, उसके बाद और मिल गई। अच्छा, अब जाके हम उस पे रिएक्शन देंगे रील्स के ऊपर। हाँ, तो भाई मैं भी आप लोगों के साथ साथ देखूंगी, ठीक है ना। मैं देख कर ही पता चलेगा हमें कि क्या उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो जाहिर सी बात उनके चाहने वाले भी ज्यादा है। तो जो नए लोग आए हैं उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ये हमारे साथ फाइनल होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या स्टार? हाँ सर, हाँ सर। इनकी दोस्ती काफी अच्छी रही, गहरी रही है। हाँ, ये शिव जो है तेलुगु, आई थिंक तेलुगु में बिग बॉस आते हैं। क्या है तेरा 80,000 का जूता, 35 का देखा सर, देखा सर। नहीं मेरे को बताया गया भाई, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। सर वो ऐसा सीन था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था, मैंने जिंदगी में मेरे फर्स्ट टाइम 80,000 का शूज लिया था। वो शूज मैं फ्लेक्स कर रहा था मेरे लाइफ पे सर, तो रैंडमली ऐसा फेमस हो गया कि 80,000 का, और जितने भी स्नीकर हेड है ना तो उन लोग फुल ऐसा फील करने लगे कि हाँ 80,000 का शूज है ये वो, तो उस पर रील्स बन गया सर। क्या क्या सीन, और कितने का जूता तुम? 80,000 का था। सबसे महंगी चीजें पहनते हैं बेटा। डैन, गाली तूने शुरू की थी, जब किसी को गाली बकता है ना तो रिटर्न में ना गाली सुनने की भी आदत डाल दे। ये बात तो, अगर वो क्षमता नहीं है ना तो खुद गाली नहीं बकना बेटा। ये बात बिल्कुल सही। अम्मी को ये क्लिप भेजू कि ये देखो अम्मी आपका बेटा। सर वो गलत किया मैंने बहुत। गाड़ी भी ले लो क्या, अभी रिक्शा में घूम के एंडिंग तक। अरे तू मेरा खाना डालूंगा। अरे छोड़ना छोड़ना, अभी शेमड़े छोड़ 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 मत कर चला। अरे लोखंड वाले में घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। तू रैपर नहीं डांसर है, एक्टिंग तू कर रहा है रावा सफर, तू शायद से एक्टर है, मैं जाने का दोस्तों के मैटर में वो अलग है, मारने का मन भी नहीं कर रहा सर। एडिट ऐसी किए कि होने चाहिए, इसलिए मैं लेके नहीं जाता। वो किधर भी क्यूँकी ब्रो पछाड़े तू। बहुत महंगी चीजें पहनते हैं, बहुत महंगी, 80,000 की शूज से फोड़ डालूंगा सब लाइटर मैं। इसी के स्टाइल से देती हूँ, इसी के स्टाइल से फोड़ डालूंगा सब लाइटर। फोड़ के दिखाना, दिखाता ना, दिखाना पॉकेट में अंकित के, बता भी दिया कहाँ पर है आपका खाती तो में वहाँ से ये एक है, बॉम एक है। हाँ चल किधर चलू, चल मैं जाना तेरे अंकित के सामने सब बातें बोल रही है, चल मेरे को लेके आ रही है, तेरे केले को लेके जाना, मेरे को कहीं को लेके आ रही है। हूँ मैं तो इरिटेट कर, दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तुझे, उसको लेके जाना। मैं जिसको लेकर जाऊंगी ले जाऊंगी, तू तो मेरे को क्यों बोल रही, चल मेरे को मत बोल, चल चल चल, एक बस नहीं हो गया क्या, चल ये देखो वापिस से चल। आदि होंगे बच्चे तो बच्चे भी इरिटेट होंगे, हर एक हर इंसान इरिटेट होंगे ये आवाज से। एग्जैक्टली, हाँ, और चल चल मत बोल, चल चल चल, एक बस किधर लेकर, मेरे को नहीं आना है, मेरी है गर्लफ्रेंड भाई। शालिन और एमसी की, एमसी स्टैंड की लड़ाई हो गई। कौन कहता है कि लड़ने के लिए बॉडी चाहिए? वाली बात है, लड़ने के लिए सिर्फ जिगरा चाहिए। जो एमसी के पास है, एमसी एमसी स्टैंड, वो एक हर एक गाने में गाते ना रैपर, अच्छा, उसके अच्छा, नाम मैं घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। स्टेज नाम रखते हैं, अपना स्टेज नेम रखते हैं, असली नाम तो मैं नहीं जानती। बहुत अमीर है ये लोग, नहीं ये तो नॉट, ये पैसे की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे अमीर पैसे की वजह से कोई नहीं आया हुआ है, तो वो बात कर रहे हैं, अगर बिग बॉस में लाया हुआ है ना सबको, अरे चार पैसे का है कहने का मतलब है वो ये जो चीजें भी करना हुआ है ना, ये कोई अच्छा इतना
को बाबा देखो पोपट बस नहीं हो गया, पोपट पे आया बोला केले तू बस नहीं हो गया क्या उसको, बोले लेके जाना क्यों उसको, दो दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या आपको, चल 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 किधर लेके जा रही मेरे को, वेरी गुड, गंदी है क्या तुम, बोला कहा लेके जा रहे हो मेरे को, क्या गंदे चाले कर रहे हो, चल 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 मेरे साथ, ये क्या सीन है, क्या ब्रो गंदी चाले में बोलो बस, तो गंदे चाले के मतलब चल अभी कोई वो लोग गाली गलौज, लिसन लिसन टिंसी, अगर मेरे को कोई लड़की बोल रही चल तो मैं क्या समझेगा, लेके जा रही किधर तू, क्या गंदे हो क्या, ये इन लोगों की आदत है बदतमीजी से बात करना, हम लोग की आदत है इसको, चल चल तो ब्रो मैं 40 दिन से क्या सोच रहा था टिंसी मालूम क्या, अरे यार अपन इनके ऐसा करे तो अपने में और उनमें क्या फर्क, क्या फर्क है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन ला के दे रहे ना ब्रो कि फर्क छोड़ डालो, अभी करना ही पड़ेगा उनको, वैसे रिप्लाई देना पड़ेगा, सर अभी तो मैं एड भगा दूंगा सर, नहीं 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 अभी सर अभी सच्ची बताओ क्या बात चालू था अपना, क्या बात चालू था, वो कैसे बीच में है अभी देखे ना आपने, उसको तो मालूम भी नहीं क्या बात चालू, तो फिर अभी हम भी आते फिर इसीलिए हर बात में घुसूंगा, अभी नहीं घुसा तो बोलो भाई, घुस देखो ना अभी क्या पर्सनैलिटी चेंज होगा, अरे मेरे ऐसे नहीं है, मेरे को बना है ना अभी, मेरे को ऐसा नहीं क्या खुजली करे अभी नहीं क्या मजबूर करे ये चीज करने पे, शेव निम्रेतर अब दो स्टैंड विद एमसी स्टैन का नाम भूला नहीं हूँ, सी स्टैन अपनी सजा के चलते क्योंकि नॉमिनेटेड है, इसलिए वो इस घर के राजा भी नहीं बन सकते, डायमंड पहन के घूम रहा है, हेवी नहीं है, है ना हेवी है, लाइक मेरे को आदत मतलब नहीं, वजन बढ़ाने का इसका ये आइडिया है, ये बता दे कितने का है, 1.5 CR का रहेगा सर, प्रणाम करो, फैंसी टाउन का क्या है सर, पुणे से टाउन कैसे करते हैं टाउन, जैसी शक्ल है तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है जैसे, बहुत अच्छी मेरी शक्ल, तुझे नहीं पता कितने लोग मरते हैं तेरे जैसे मुंह निकले, कितने लोग मरते हैं मेरे शिनचैन जैसे मुंह की, कितने लोग मरते हैं शिनचैन जैसे मुंह है इसका, शिनचैन तो हूं मैं कम से कम, हां तू तो वो भी नहीं है, शिनचैन इंडिया में टैटू रहता है इंडिया में, रुक नहीं दे बस आ रहा मेरे को, तुम्हारी बहन तुम्हारे मां-बाप के फैन बनो ना रे, मेरे को सिर्फ सुनो फैन मत बनो, मेरे को सुनो गर्लफ्रेंड और एमसी स्टैन लाइफ ते सगळ सोड आज पण तू शेमडा काय तेरी बोल तू नाही अनमोल ते को आता नाही रोल पसंद नाही ते को वो पे मेरे बोल तेरा गुनगारी गोल मैंने दे डाला छोड़ तू चेंज कर ना विषय में विषय करता को तो भाई ये थे एमसी स्टैन जिनकी आपने वीडियो देखी और हमने उस पर रिएक्शन दिया और कैसा दिया ये तो आप ही बताएंगे, खैर मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इनको देखा है और एमसी स्टैन का रियल नेम क्या है जरा कमेंट में करके मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता एमसी स्टैन का रियल नेम क्या है, हर रैपर का ना एक स्टेज नेम होता है तो ये उनका एमसी स्टैन है, अच्छा हो सकता है रियल नेम नहीं मुझे जहाँ तक मुझे पता है ये मुस्लिम है, अच्छा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि रियल नाम क्या है, हाँ कमेंट्स का ही होता है, पहले मुझे बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा जहरैन के फैन फॉलोअर ज्यादा हैं तो यही जीते हैं और जहरैन के चाहने वाले ज्यादा हैं, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इनको देखा है और फर्स्ट टाइम ही मुझे ये पता चला आप लोगों के साथ ही, बिग बॉस में इतना फड्डा हुआ बिग बॉस में तो खैर होता ही फड्डा है बहुत ज्यादा ही होता है, हाँ। क्योंकि लोग अकेले रहते हैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और कोई कुछ हाँ एंटरटेनमेंट कुछ इतना खींचेंगे तो ये वाला चीज होती है, आपको कैसे लगी वीडियो रिएक्शन जल्दी बताइएगा कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा अपना फीडबैक क्योंकि आपके फीडबैक की हमें बहुत जरूरत होती है, तो फिर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।